नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ में हूँ प्रदीप तरंगोला। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। दीपों का त्यौहार दिवाली नज़दीक है और आज धनतेरस का उत्सव है। वहीं आज हम मौजूद हैं पल्टन बाज़ार में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ आज देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं खरीदारी के लिए। बाज़ार सज चुके हैं और बाज़ार काफ़ी खूबसूरत भी नज़र आ रहे हैं दिवाली के त्यौहार को लेकर। वहीं यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर आई हैं खरीदारी के लिए, आप यहाँ पर आई हैं तो किस तरह का बाज़ार सजा हुआ नज़र आ रहा है आपको? और अगर चाइनीज़ की बात की जाए, अब चाइनीज़ सामान तो बिल्कुल बैन हो गया है, तो नहीं खरीद रहे हैं हाँ चाइनीज़ सामान नहीं खरीद रहे हैं हम लोग, लेकिन बाज़ार बहुत अच्छा है, सजा हुआ है। किस चीज़ की खरीदारी के लिए आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं? दिए वगैरह खरीदे हैं, दिए है, खीर बताशे, ये सब खरीदे हमने। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे माता लक्ष्मी की फोटो भी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही जो शुभ माना जाता है दीपावली में, जो कि लक्ष्मी के पद माने जाते हैं, लक्ष्मी के पैरों के निशान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि दिवाली में शुभ माने जाते हैं। लोग इनकी ख़रीदारी भी करते हैं ताकि जो लक्ष्मी माँ का आगमन जो है उनके घर पर हो सके। इस बार दिवाली पे क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे सजी हुई हैं आपकी दुकान में। इस बार जो दिवाली में वो क्या खास है? दिवाली में क्या खास है इस बार? इस बार मेहनत बहुत हो रही है और कारीगरों को बहुत ज़्यादा हमने कहा सुनी करके कसा है कि वो जो पहले कभी डिजाइन तुमने नहीं बनाए हो वो डिज़ाइन हमको बना के दो, तो वो डिज़ाइन आपके सामने प्रस्तुत है। हमारी मेहनत, कारीगरों की मेहनत, सबकी मेहनत, जो भी कुछ है आपके सामने महसूस है। और बताओ, कोरोना को लेकर क्या अभी भी आपको कुछ लगता है कि कुछ असर पड़ रहा है? करो जैसे पहले हमेशा कभी बाज़ार होते थे, आज आप देख रही हैं बाज़ार को तो वैसे ही लगभग हैं, 19-20 का अभी अंतर नहीं है, नहीं है। बाज़ार में भीड़ भाड़ वैसे ही है, सभी आदमियों में क्रेज है, महापर्व है और इसको हंसी खुशी मनाना है और मनाएंगे। वही हमारे साथ बाज़ार में नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और कई बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। आज आप यहाँ मार्केट में मौजूद हैं दिवाली की शॉपिंग के लिए मौजूद हैं? क्लोथ्स की और उनकी भगवान जी की मूर्तियों की। अच्छा, दिवाली में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? पटाखे। पटाखे भी खरीदने होंगे फिर तो? हाँ। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि पटाखे जलाते टाइम थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, हाथ जल सकते हैं, और पॉल्यूशन को लेकर भी कहा जाता है कि पटाखों से ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। तो फिर क्या आप ये इस बार ये संकल्प ले सकते हो कि पटाखे नहीं फोड़ने हैं? ज़्यादा नहीं, थोड़े ही जलाऊंगा। ओके, ज़्यादा नहीं थोड़े जलाएंगे पटाखे, लेकिन जलाएंगे जरूर। आपको बता दें दिवाली में बच्चों को सबसे ज़्यादा जो उल्लास रहता है, हर्षोल्लास रहता है, वो पटाखों को लेकर रहता है। और अगर पॉल्यूशन वगैरह की बात की जाए तो बच्चों का कहना है पॉल्यूशन का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन ज़्यादा की बजाय थोड़ा सा जलाएंगे। दिवाली के उत्सव के दौरान बाज़ार में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, पब्लिक यहाँ पर आ रही है और ख़रीदारी कर रही है। वहीं हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं उनसे। आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह की शॉपिंग करते हैं? ये लक्ष्मी गणेश की है, दीपावली के उपलक्ष्य में ले रहे हैं हम लोग जी। इनका पूजन होता है जी, दिवाली वाले दिन अमावस्या में, रात में, अमावस्या की रात में इनका पूजन किया जाता है, इसलिए इनको खरीदा जाता है। धन की लक्ष्मी माना जाता है और ये तो आपको मालूम ही है, सिद्धि सिद्धि के दाता है जी। इसलिए इनका कहना है कि घर पे धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखने पर जैसे कि धन की देवी माता लक्ष्मी, तो धन की धन तो आता ही है घर पे, लेकिन साथ ही जो रिद्धि सिद्धि के दाता जो हैं गणेश जी, उनका भी धनतेरस के दिन अपने यहाँ उनको स्थापित करना शुभ माना जाता है। वहीं यहाँ पर कई सारे दिए भी देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ कई मूर्तियाँ भी यहाँ पर सजी हुई हैं। विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ आप देख सकते हैं, बड़े सुंदर सुंदर दिए जो हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। कई तरह के दिए जो यहाँ पे उपलब्ध हैं, ये एक त्रिशूल के आकार का दिया भी है,
और कई सुंदर रंगों से इन दियों को सजाया गया है। दीपों के त्यौहार दिवाली के लिए बाजार सज चुके हैं। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खूबसूरत लड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, रंग बिरंगी लड़ियाँ लगी हुई हैं जो कि सजावट के काम आती हैं। लोग इनकी ख़रीदारी करने के लिए भी बाज़ार पहुँच रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत ये देखने में लग रही हैं। खूबसूरत लड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और एक नहीं बल्कि कई प्रकार की लड़ियाँ बाज़ारों में देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार ख़रीदारी भी कर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रंग बिरंगी जो कलर हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, साथ ही शुभ दीपावली जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। दीपावली में इनको ख़ास तौर पर शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी के जो पद चिन्ह होते हैं उनको भी खास माना जाता है, वो भी यहाँ पे मौजूद है और लोग यहाँ पर इनकी खरीदारी के लिए पहुँच भी रहे हैं। दीपों का त्यौहार दिवाली का उत्सव है, धनतेरस का उत्सव भी है और लोग लगातार बाजार में शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। बाजार गुलजार है, रंग बिरंगी लड़ियाँ जो होती हैं, लाइटें जो होती हैं, मूर्तियाँ और दिवाली के जो सामान होते हैं दिया, उन सब से बाजार गुलजार है और काफ़ी खूबसूरत जो है देहरादून का पल्टन बाज़ार काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देहरादून का पल्टन बाज़ार और इसकी सुंदरता में दिवाली की जो उत्सव है उसमें चार चांद लग जाते हैं। कैमरा पर्सन यस के साथ प्रदीप्ता रमोला, देहरादून।